नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियोस लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इस वीडियो में दोस्तों, इस चारपाई में देखो ताना के बारे में, माई के बारे में पर्टिकुलर्स वीडियो बनाया है, तो वो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। और दूसरी बात ये कि इसमें इस तरफ स्टार्टिंग करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नई डिजाइंस के साथ और लहर के एक नई डिजाइन जनरेट किया है दोस्तों मैंने, तो वो सभी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, वो भी 3D में। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों सीधे चारपाई पे, देखिए डिजाइंस कैसे बनाए वो सभी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये रस्सी मैंने अलग कलर की ले ली और यहाँ पर बांध दिया दोस्तों, तो वो आप बांध दीजिए। यहाँ से एक दबा कर आपको 5 रस्सी उठानी, ये एक दबा कर आपको 5 रस्सी उठा लेना दोस्तों। ये चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखेंगे, 3-4 ये हमारी 5 हो जाएगी। तो यहाँ आपको एक आपको उठाना भी है, उसके बाद में आपको ये 5 रस्सियाँ दबानी है, 5 दबाकर फिर आपको एक उठानी है और फिर ये 5 रस्सी दबा देनी दोस्तों, फिर एक उठानी आपको और एक दबानी है। दबाने के बाद में दोस्तों फिर एक उठानी है और फिर एक दबा देनी है और फिर यहाँ पे एक रस्सी उठा लेनी है। इसके वापस बाद में यहाँ पे 5 दबा दीजिए और एक रस्सी उठा लीजिए और फिर ये 5 दबाइए। 5 दबाने के बाद में फिर एक रस्सी उठाइए और एक दबाइए और एक रस्सी उठा लीजिए और फिर एक दबा दीजिए। ये स्टार्टिंग आपको करना होगा दोस्तों, इसमें कहीं पे एक, कहीं पे 5, कहीं पे 3 रस्सी उठेंगे। अब दोस्तों खास बात एक ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे पहले आप आटा लगा लें, एक बार हमने ले लिया एक बार और लेंगे, और ये चैन आपको दिख पा रही होगी, इस चैन को यहाँ से आपको ये रस्सी निकालना होगा, तो ये विशेषकर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तभी बहुत से व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर पूछते रहते हैं मेरे को कि ये घुंडी कैसे डालें, तो वो चीज़ आपको विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप उस सही सीक्वेंस में बना पाएंगे। देखिए ये हो गई हमारी रस्सी, अब वापस इसको खींच देंगे हम, ये हमारी घुंडी यहाँ पे डल जाएगी। तो इस प्रकार स्क्रॉल कर लीजिए और इस तरफ से आपको हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारी किली है ये घुंडी, तो ये एडजस्टेड रहेगी हमारी, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरफ हमने रस्सी डाली नहीं तो या तो आप बांध सकते हैं, यहाँ पर दूसरी किली डाल सकते हैं आप। ये सिक्वेंस दोस्तों चलेगा। अब आगे देखिए क्या करना है आपको, आगे बहुत ही ध्यान रखना है आपको, एक उठा ली ये रस्सी और ये आगे वाली रस्सी है वो एक दबा देनी है, ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखेंगे। ये हमारी एक रस्सी दब जाएगी, एक दबाने के बाद में ये आपको 5 रस्सी हमारी उठ जाएंगी, फिर ये 5 रस्सी दबा देंगे, फिर हमने एक उठा लिया है, एक उठाने के बाद में दोस्तों फिर ये 5 रस्सी हम दबाएंगे और 5 रस्सी दबाने के बाद में दोस्तों ये देखेंगे एक रस्सी ये उठा लेंगे, सॉरी यहाँ पे आपको 3 रस्सी ये दबानी होंगी, यहाँ पे आपको 3 रस्सी दबेंगे, 3 रस्सी दब के बाद में ये 2 रस्सी हमारी दब जाएंगे दोस्तों, और 2 रस्सी दब के बाद में आपको 2 रस्सी ही ये उठाना होगा, फिर एक दबानी है और एक रस्सी ये उठा लेनी है, फिर यहाँ पे दोस्तों ये 5 रस्सी दबा के एक रस्सी उठा लेनी है, फिर ये 3 रस्सी वापस से आपको दबा देनी है और फिर यहाँ पे दोस्तों वापस से 2 रस्सी दबाकर आपको एक रस्सी ये उठा लेनी है, ये 2 हमारे को ये एक रस्सी दबाकर ये उठा लेंगे, फिर एक दबा देंगे दोस्तों। ये चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ये सभी आप देखेंगे। अब उसके बाद में दोस्तों आगे देखिए क्या होगा कि एक एक थोड़ा सिक्वेंस अभी आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा बन जाएगा तब आपको ये समझ में आएगा। अब वापस से आपको यहाँ पे ये 3 रस्सी आपको 2 रस्सी उठानी होंगी दोस्तों, और 2 रस्सी उठाकर फिर आपको एक दबानी है और एक रस्सी ये उठा लेनी है, फिर यहाँ पे दोस्तों ये 5 रस्सी दबाएंगे, फिर यहाँ पे एक दबाकर एक रस्सी उठा लेंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों ये 3 रस्सी दबाकर आपको 3 रस्सी ही उठा लेना होगा, फिर एक दबानी है और फिर यहाँ पे 5 दबाकर आपको एक रस्सी उठानी है, फिर एक दबाकर एक रस्सी उठा लेनी है,
फिर ये तीन दबाकर हमारी दो रस्सी हमारे पास, अगर तीन होती तो तीन हम उठा लेते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको एक लहर 3D की लहर बनेगी इसमें, वो आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले मैंने बहुत सी लहरों की चारपाई बनाई थी, तो वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान डिजाइन है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से हमारे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर बोलते हैं कि हमें आसान डिजाइन सिखाइए, तो वो आसान डिजाइन के लिए आपको मिलेगा दोस्तों। ये इससे आसान डिजाइन आपको तीन की लहर, चार की लहर, पाँच की, छः की, सात तक लहर का बताया मैंने। और लहर के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैंने वो भी आपको बताया है कि फूल कैसे बनते हैं, तो फूल भी बना सकते हैं आप लहर के साथ साथ। तो वो आपके ऊपर है कि आपको फूल बनाना है या लहर बनाना है। आप देखिए वापस से यहाँ पे एक दबा दीजिए दोस्तों, ये दो रस्सी उठाई, अब हमें ये तीन रस्सी उठा लेंगे दोस्तों। और तीन रस्सी उठाकर फिर हमें एक दबानी है और एक रस्सी ये उठा लेनी है, फिर ये वापस से एक रस्सी ये उठा लेनी दोस्तों। और यहाँ पे ये चार रस्सी दबा देंगे और चार रस्सी ही इधर उठा लेंगे दोस्तों, सॉरी एक दबा देंगे वापस से दोस्तों। यहाँ पे पांच रस्सी दब के तीन रस्सी उठेंगी, फिर यहाँ पे एक रस्सी आपको उठानी है, फिर ये पांच रस्सी आपको दबानी है, फिर यहाँ पे दोस्तों वापस से पांच रस्सी ये दब जाएंगी और एक रस्सी उठ जाएगी। ये सीक्वेंस हमारा चलेगा। तो देखिए इससे और भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये थोड़ा सा हटके डिजाइन है, आप पूरी चारपाई देखिए तब आपको समझ में आएगा दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें अंत तक देखें, उसके साथ साथ सभी पार्ट देखें दोस्तों, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, पार्ट सिक्स, तब आपको पूरी डिजाइन का समझ में आएगा, अन्यथा आपको पूरी डिजाइन नहीं समझ में आएगा। देखो इसमें डबल लहर बनेंगी आपको, एक सिंगल रस्सी की और दूसरी इनका रस्सी का, और वो भी अलग सिक्वेंस में बनेगी दोस्तों। तो ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ। यदि और भी आप हमारे चैनल पर जाएंगे, चारपाई के डिजाइन के अलावा फूलों की देख सकते हैं आप, या फिर नाम की देख सकते हैं। नाम के बारे में पर्टिकुलर्स मैंने चारपाई बनाई है, तो वो आप हमारे चैनल पे थोड़ा सा विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से एक दबा दीजिए और ये तीन रस्सी उठा लीजिए दोस्तों, फिर यहाँ पे एक रस्सी आप दबा दीजिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर यहाँ पे तीन दबा दीजिए, एक रस्सी उठा लीजिए, फिर यहाँ पे आप चार रस्सी दबाइए और एक उठाइए, फिर एक वापस से दबाना है, एक दबाकर आपको तीन रस्सी उठा लेना है, फिर यहाँ पे दोस्तों एक दबाकर एक रस्सी उठा लेनी है, और फिर यहाँ पे तीन रस्सी दबानी है, फिर एक रस्सी उठा लेनी है, फिर यहाँ पे आपको वापस से एक रस्सी उठानी है ये, और चार रस्सी है, पांच रस्सी आप दबा देंगे, फिर एक रस्सी दबा देना है। ये आपको देखो पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, इस प्रकार से ये सिक्वेंस आपको रस्सियों का दबाना पड़ेगा। और जब भी आप रस्सी लें दोस्तों तो जोड़ा से लें आप, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक रस्सी नहीं, मैं दो रस्सियों को एक रस्सी बोलता हूं दोस्तों। जोड़ा से आपको रस्सी लेनी है, ऐसी आपको चारपाई बनानी है तो जोड़ा से आपको रस्सियों लेनी है। इसको स्क्रॉल करते रहिए ताकि सभी रस्सियां हमारी बराबर हो जाए दोस्तों। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा इसको पीछे करते रहिए ताकि ये रस्सियां आपकी सभी बराबर हो जाए, ये भी आपको बीच में ध्यान रखना पड़ेगा। एक पंजे आता है उससे भी आप खिसका सकते हैं, या किल्ली से भी। देखो लहर इधर जाएंगी और इधर भी हमारी जाएंगी, दोनों तरफ आपको लहर देखने को मिलेंगी। अब वापस से दोस्तों यहाँ पे एक दबाकर, एक उठाकर एक दबा दीजिए, फिर वापस से ये आपको क्या करना है दोस्तों, ये तीन रस्सी आपको उठा लेना है, फिर यहाँ एक दबाकर आपको एक रस्सी उठानी है, फिर यहाँ पे एक दबाकर एक रस्सी उठा लेनी है, फिर दोस्तों यहाँ पे आपको छह रस्सी दबा देनी है, छह रस्सी दबा कर के बाद में आपको ये दो रस्सी दबाना है, फिर ये तीन रस्सी उठाना है, ये आपको विशेष का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक रस्सी दबाकर आपको एक रस्सी उठा लेना है, फिर यहाँ पे दोस्तों आपको ये दो रस्सी उठा लेना है, छह रस्सी दबा दी हमने, तीन तीन छह रस्सी। तो ये देखिए आपको सीक्वेंस हमारा बनेगा। यदि और भी इसके अलावा हमारे चैनल पे जाएंगे दोस्तों तो चारपाई में नाम कैसे लिखते हैं, मोबाइल नंबर कैसे लिखते हैं, उनके बारे में मैंने पर्टिकुलर्स बताया है। तो एक नहीं आपको दो दो डिजाइन से मैंने नाम लिखने बताए, और वो भी हिंदी इंग्लिश में दोनों में बताया दोस्तों, तो वो आप देख सकते हैं। या फिर मोबाइल नंबर जानना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर मैंने तीन डिजाइन से लिखे हैं, तो वह सभी आप देख सकते हैं। तो ये सभी आपके ऊपर आपको मोबाइल नंबर लिखने हैं, पर्टिकुलर्स मैंने चारपाई में नाम और मोबाइल नंबर लिखे भी है दोस्तों, तो वो भी आप देख सकते हैं।
अब यहाँ से दो रस्सी उठाकर एक रस्सी वापस से दबा दी, फिर ये मैंने तीन रस्सी उठाई, फिर यहाँ पे दोस्तों वापस से एक रस्सी उठाई है मैंने, फिर यहाँ पे ये सात रस्सी दबा देंगे और ये तीन रस्सी उठा देंगे, फिर एक दबाई और ये तीन रस्सी उठाई, फिर एक दबा कर दोस्तों ये एक रस्सी हम उठा लेंगे, फिर यहाँ पे सात रस्सी दबा कर ये दो रस्सी उठा लेंगे हमारी, ये सीक्वेंस हमारा हो जाएगा दोस्तों। आगे आप देखिए इसमें सीक्वेंस हमारा चेंज हो जाएगा दोस्तों। उसके साथ साथ मैं आपको बता रहा था दोस्तों नाम के बारे में, तो नाम आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, वो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप बना पाएंगे, या फिर वीडियो के नीचे अंडरलाइंस में आपको एड्रेस और मोबाइल नंबर मिल जाएगा तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके बनवा भी सकते हैं। अब खास बात एक और बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आटा कैसे लगाया जाती है, देखो ये हम थोड़ा पीछे रह रहे हैं तो एक बार हमने ले लिया है और एक बार और लेंगे, ये दो बार आपको लेना है। और आटा लगाना बहुत ही ज़रूरी रहता है दोस्तों, क्योंकि वैसे मैं आपको बता देता हूँ हर 5-10 रस्सी बाद में आप आटा लगा देंगे तो बढ़िया रहेगा वैसे, क्योंकि जब भी हम चारपाई में, वैसे कोई आपकी इच्छा है कि हम जब पीछे चले, खास बात ये ध्यान रखना दोस्तों, इसका रीजन क्या है आटा लगाने का वो मैं आपको बता देता हूँ, कि जब आप पीछे की तरफ आएंगे, जब पीछे रह जाते बनाते समय, उस समय आपको आटा लगाना है, ये बात का ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों सीक्वेंस हमारा चेंज हो जाएगा, अब यहाँ से आपको तीन रस्सी उठानी है, फिर ये एक ये दबानी दोस्तों, फिर ये तीन रस्सी उठानी है, फिर आप देखिए अब आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है, यहाँ से एक रस्सी आपको उठा लेनी है, फिर ये एक रस्सी दबानी है, और फिर ये तीन रस्सी आपको उठानी है, फिर एक दबानी है, फिर ये तीन रस्सी उठानी है, फिर एक दबाकर एक रस्सी उठा लीजिए, और वापस से यहाँ पे आपको एक रस्सी दबाना होगा दोस्तों। तो ये चीज़ विशेषकर आपको ध्यान रखना है, तभी आप डिजाइंस को समझ पाएंगे। यदि और यदि आपको पूरी चारपाई में डिजाइंस देखना है, तो पूरी चारपाई में मैंने फूल बनाए हैं, लहर बनाई है, और लहरों को कैसे मोड़ते हैं तो वो सभी भी मैंने बताया दोस्तों, तो वो भी आप देख सकते हैं लहरों को कैसे मोड़ते हैं, तो ये भी आपको पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। या फिर आप पूरी खटिया होती है हमारी, जो चारपाई में खटिया बोलते हैं हम, नौकड़ी चौकड़ी की होती है, उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। उसमें सबसे आसान है वो बता देता हूँ मैं, चौकड़ी की खाट है। अब देखिए यहाँ पे वापस से एक रस्सी हमें दबा देनी है, एक रस्सी दबाकर आपको फिर एक रस्सी दबानी है और एक रस्सी ही उठानी है, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको एक रस्सी दबाकर एक रस्सी उठा लेनी है, फिर यहाँ एक दबाकर आपको एक रस्सी उठा लेनी है, फिर एक दबानी है और ये तीन रस्सी उठा लेनी है, फिर एक दबाकर एक रस्सी उठानी है और यहाँ एक दबाकर एक उठानी है, फिर एक दबाकर एक उठानी है और फिर यहाँ पे एक रस्सी दबा देनी, और यहाँ पे भी आटा लगा दीजिए दोस्तों, क्योंकि पीछे रह रहे हम, एक बार हमने ले लिया है और एक बार और लेंगे, यहाँ पे दो बार आपको लेना है। अब मैं आपको बता रहा था दोस्तों जो खटिया के बारे में, उसमें सबसे आसान है वो चौकड़ी की खाट है, जो चौकड़िया की हम बोलते हैं, वो एक ऐसी खाट है कभी भी बना सकते हैं, और सिंपल डिजाइन दोनों चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा उसमें, तो वो आपके ऊपर है दोस्तों। पुरुष खाट के बाद में आपको पाँच कड़िया खाट बना सकते हैं, छः कड़िया की खाट बना सकते हैं, सात कड़िया की, आठ कड़िया की बना सकते, सॉरी सात कड़िया खाट अभी तक नहीं बनाई है, आठ कड़िया की खाट बनाई है मैंने, और नौ कड़िया की और बारह कड़िया खाट, उन सभी में दोस्तों आपको सिंपल मिलेगा और डिजाइंस भी देखने को मिलेगा। ये सभी आपके ऊपर है कि आपको सिंपल चाहिए या डिजाइन चाहिए, तो वो आप बना सकते हैं। इस प्रकार से स्क्रॉल करते रहिए, अब लहरों का देखो परिवर्तन होता नजर आ रहा है आपको, लहर इधर भी जा रही है हमारी और इधर भी जा रही है, तो ये आगे आपको परिवर्तन का पता चलेगा दोस्तों, अभी आपको नहीं पता चलेगा, या लहरें पूरी बनेंगी चारपाई जब आपको समझ में आएगा कि इसमें ऐसे ऐसे चलेगी लहर, तो वो सभी आप देख पाएंगे। आगे के डिजाइन कैसे बनेगी दोस्तों वो मैं आपको पार्ट टू में बताऊंगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपको नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।